पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में राजनीतिक दलों पर पुलिस ने एक बार फिर लाठीचार्ज किया। पुलिस की ओर से किए गए लाठीचार्ज में 2 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूके में हुई इस रैली का आयोजन स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों के संगठन AIPA ने किया था। इस रैली का मकसद यूके के लोगों को आज़ादी दिलाने की मांग करना था। पाकिस्तान सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में जबरन घुसकर उस पर कब्जा जमा लिया था। इस घुसपैठ की 72वीं वर्षगांठ पर लोगों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। राजनीतिक पार्टी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। बताया जाता है कि मुजफ्फराबाद राजनीतिक दलों की रैली में लाठी बरसाने के बाद पुलिस ने यहां के प्रेस क्लब में छापा मारा। इस दौरान कई पत्रकारों को भी चोट पहुंची है। पत्रकारों का आरोप है कि उनको जानबूझकर पीटा गया है और उनके कैमरे व अन्य उपकरणों को पुलिस ने तोड़ दिया है। रैली में लाठी बरसाने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस रैली में आए लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और फायरिंग कर रही है। पीओके के मुजफ्फराबाद में मंगलवार को गिलगित बाल्टिस्तान के लोग मंगलवार को पाकिस्तान सरकार से खुद की आज़ादी मांग रहे थे। इसके लिए रैली में एकत्र हुए लोग काला दिवस मना रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।